नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा गैस होती है, उसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे मुंह में हो जाता है, मतलब कि मुंह में छाला हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाता है, जिसको हम सोर थ्रोट भी बोलते हैं, कल मुंह से लेके गले तक पूरा छाला हो गया है। तो ये सारे कण जो छाले के जो प्रकार हैं, छाले कैसे होते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। आज के वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि उन छालों को आप अपने होम रेमेडीज़, कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जो घर पे ही आप उन छालों को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे कि अपने दाँत और अपने स्वास्थ्य को आप सुधार सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि माउथ अल्सर बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, फास्ट फूड खाने से, जंक फूड खाने से और एसिडिक फूड खाने से हमारे मुंह में अल्सर हो जाता है। तो उन अल्सर को कैसे ठीक किया जाए अपने घर पे ही, तो नंबर वन पे उन अल्सर को ठीक करने का जो सबसे नंबर वन पे घरेलू उपाय होता है वो होता है कि सबसे पहले आप अपने डाइट को मेंटेन कीजिए, मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना। ये सब आप अवॉइड करेंगे तो आप ऑलरेडी 50% ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में आप जो होता है पानी की मात्रा अपने भोजन में, बहुत लोग होते हैं कि खाना तो बहुत खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बाकी चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन पानी के नाम पे नाम मात्र सिर्फ एक या दो गिलास पीते हैं। ऐसा नहीं है, हमको कम से कम दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 4 लीटर नहीं हो सकता है तो आप कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीजिए, वो भी लोग नहीं करते हैं, 1-2 गिलास दिन भर में पानी पीते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने डेली रूटीन में सबसे पहले सुबह उठ के आप पानी पीजिए। पानी तो अगर थोड़ा गुनगुना हो तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। पानी पीजिए और जितना ज़्यादा से हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, तो ये भी आपके छाले को, माउथ अल्सर को बहुत हद तक ठीक करेगा। नंबर 3 पे आपका आता है आपका जो नमक का पानी होता है, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी में नमक मिला के उससे अगर रिंज करेंगे, उससे अगर माउथ वॉश करेंगे तो ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। नंबर 4 बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को नमक के साथ मिला के पेस्ट बना लीजिए और उसको ब्रश के साथ में अपने मसूड़े पे और अपने दांतों पे अप्लाई करेंगे तो भी, या जिस जगह पे छाला हुआ है वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो भी आपका जो छाला है छूमंतर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में आता है एलोवेरा। एलोवेरा आपके घरों में बहुत ही आराम से मिल जाएगा, तो एलोवेरा का भी यूज़ करके, एलोवेरा अगर जो आपका शुद्ध है आपके घरों में लगा है तो उसकी पत्ती को तोड़ लीजिए, उसके अंदर से जो जेल मिलता है उसको भी अपने अल्सर पर लगाएंगे तो बहुत ही आराम से आपके अल्सर ठीक हो जाएगा। इसके बाद में आता है हल्दी। हल्दी का उपयोग आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हल्दी का पेस्ट बना के, दूसरा आप हल्दी का कुल्ला करके। पेस्ट बना के हल्दी अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे छाला है वहाँ पे लगा लेंगे, और कुल्ला करने के लिए 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के उससे कुल्ला करेंगे तो फिर आपके मुंह में जो भी जगह जगह पे छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है हनी। हनी और कोकोनट ऑयल, हनी को भी अप्लाई करेंगे। हनी में आपका एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया को कम कर देती है और जहाँ पे छाला हुआ है उसको भी ठीक करती है। और कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करेंगे तो भी आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसके बाद में आप कि मुंह को, जो आपका मुंह होता है उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन रखिए। मुंह जितना ही ज़्यादा क्लीन रहेगा, ब्रशिंग जितने अच्छे से रहेगी, माउथवाश जितना अच्छा सा रहेगा, आपका टंग क्लीन जितने अच्छे से रहेगा, डेंटा फ्लॉस का यूज़ जितने बेटर से होगा, उतना ही अच्छा आपका मुंह की ओरल हाइजीन रहेगी, तो फिर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का अल्सर नहीं होगा। तो ये रहा कुछ होम रेमेडीज़ की, मतलब आप घर पे ही अपने अल्सर को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका अल्सर नहीं ठीक होता है तो जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और उनसे पूछिए कि कहीं आपको मुँह में कुछ और तो नहीं हो रहा है।